Hi everyone and welcome to Education in Your Hands. हम continue कर रहे हैं अपने class 12th in Macroeconomics और आज से हम करेंगे उसका chapter number, इसको chapter number नहीं बोलते हैं, ये वो lesson है जिससे बहुत लोग डरते हैं, वो है national income. ऐसे तो इसके दो chapters हैं लेकिन हम उन दोनों chapters को मिला के दोनों chapters को national income के रूप में पढ़ेंगे. So इस वाले videos में हम लोग क्या पढ़ने वाले, चलिए उसको देखते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज. ओके चलिए शुरू करते हैं. तो अब तक हम लोगों ने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे नेशनल इनकम के और ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम को भी देखा और वो दोनों में उन तीनों में चेंजेस कैसे आते हैं वो भी देखा था. सो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ उन लेसन्स को एक बार देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ, तब आपको सारी बातें ईजिली समझ आ जाएंगी. सो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम के बारे में. और साथ ही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म्स भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ सकें और आप सबको भी ये सब चीज़ क्लियर हो जाए. ठीक है, तो एग्रीगेट सबसे पहले हम लोग को देखना है. तो हमने पिछले लेसन में बात किया था छः या फिर कहिए तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. तो वो तीन कहिए या छः कहिए, उन सब का यूज़ इस एग्रीगेट्स को निकालने में होता है. तो एग्रीगेट्स में जनरली तीन अपर स्पेस होते हैं और एक लोअर होता है. ठीक है, ये वाला जैसे हम देखते हैं जीडीपी एमपी, तो मतलब जीडीपी और ये नीचे एमपी होगा. ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे एग्रीगेट्स कैसे निकाला जाएगा. तो एग्रीगेट्स निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, वो आपको छह नाम अच्छी तरह याद होने चाहिए, ग्रॉस एंड नेट, नेशनल एंड डोमेस्टिक एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. तो जो हमारा सबसे पहले ये है, ठीक है, ये यहाँ पे या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, मतलब या तो जी होगा या फिर एन होगा. फिर दूसरे प्लेस पे ये इस पे या तो होगा डोमेस्टिक या होगा नेशनल, मतलब या होगा डी या तो होगा एन. पी कॉमन है प्रोडक्ट हर एक के लिए. और लास्ट में जो ये नीचे है इसको हम लोग लिखेंगे एट, या तो होगा फैक्टर कॉस्ट या होगा मार्केट प्राइस. सो सबसे कॉमन हमारा क्या है, जीडीपी एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, और इसी तरह आपकी कोई भी एग्रीगेट को नाम दे सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं एनडीपी एफसी. आप देख सकते हैं यहाँ पे एनडीपी एफसी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम. आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम आएगा. सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज एनडीपीएफसी, मतलब नेशनल डोमेस्टिक इनकम. और जब हम लोग नेशनल इनकम के पास जाएंगे तो वो हो जाएगा एनएनपीएफसी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो याद रखने में कुछ दिक्कत हुई क्या? कुछ नहीं हुई होगी, आप आराम से समझ सकते हैं. पहला स्पेस में या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, दूसरे स्पेस में या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब में सेम है, और लास्ट में एट या तो फैक्ट्री कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस. ठीक है, आपको याद रखना है कि एन डी पी एफ सी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम होता है और एन एन पी एफ सी इज इक्वल टू नेशनल इनकम. ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे आपके. अब हमने ये तो देख लिया कि एग्रीगेट्स को पढ़ते कैसे हैं. ठीक है, लेकिन अगर एक एग्रीगेट दिया हुआ है तो दूसरे एग्रीगेट पर जाएंगे कैसे, ये भी बहुत सिंपल है. इसका भी कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो में से आप समझ सकते हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में बात करते हैं. तो मान लीजिए एग्रीगेट दिया हुआ है जीडीपी एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हम लोग को इससे जानना है डोमेस्टिक इनकम पे, मतलब एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, सो हम लोग के पास ये दिया हुआ है और हम लोग को इस पर जाना है, तो हम लोग को क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो समझते हैं. तो हम लोग को पता है जब हम लोग ग्रॉस से नेट पे जाना होता है, ग्रॉस वैल्यू होती है परचेजिंग वैल्यू और नेट वैल्यू होती है एट प्रेजेंट. तो ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट पे जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन. ठीक है, फिर डोमेस्टिक डोमेस्टिक यहाँ सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है. अब मार्केट प्राइस से हम लोग को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है. तो अगर मार्केट प्राइस क्या होती, मार्केट प्राइस जिस प्राइस में हम बेचते हैं, फैक्टर कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्राइस है, तो जो प्रोडक्शन प्राइस है वो कम होता है मार्केट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस से हम लोग को क्या कम करना पड़ेगा,
ये फैक्टर कौन सा है, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमने किया माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने पे हमने किया माइनस NIT। तो अगर NDPFC निकालना है और GDPMP दिया हुआ है तो NDPFC इज इक्वल टू GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए कुछ और एग्रीगेट्स को देखते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मान लीजिए दिया हुआ है GDPMP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, और हम लोग को निकालना है इस पर नेशनल इनकम, जो कि आप लोग को पता है NNPFC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट होता है। तो इसको भी कन्वर्जन का बहुत ही सिंपल और वही प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखना है GNN, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाना है मतलब माइनस डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। अब दूसरा है डोमेस्टिक है और हम लोग को नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक हमारा वो होता है जो इनसाइड ऑफ द कंट्री जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू होते हैं, जबकि नेशनल में इनसाइड ऑफ द कंट्री प्लस आउटसाइड मतलब जो फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से हम लोग को आ रहा है हमारे पास वो भी होगा। जो नॉर्मल रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम अब्रॉड से हम आ रहे हैं वो भी नेशनल में ऐड होगा। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है NFIA, ठीक है। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस NIT। सो NNPFC इज इक्वल टू GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NNPFC इज इक्वल टू GDPMP, ग्रॉस से नेट पे गए तो माइनस डेप्रिसिएशन हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो प्लस NFIA हुआ, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए NNPFC दिया हुआ है और GDPMP पे आना है तब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। तो नेट से हम लोग को जाना है ग्रॉस पे, ठीक है। नेट है हमारा अभी का प्राइस, ग्रॉस है हमारा परचेजिंग वैल्यू। हम लोग को पता है ग्रॉस ज़्यादा होता है नेट कम होता है क्योंकि उस पर डिप्रिसिएशन लग जाता है। तो अगर नेट से हम लोग ग्रॉस पे जाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्लस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे क्या करते थे, माइनस डिप्रिसिएशन। सो नेट वैल्यू से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डिप्रिसिएशन। अब दूसरा है नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, ठीक है। सो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस NFIA। फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट पे जुड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तभी होगा मार्केट प्राइस, ठीक है। सो इसी तरह जितने भी एग्रीगेट्स होंगे आपको बस फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, प्रोडक्ट सेम है और फिर जो एट होगा उसको देखना है और एक एक करके कन्वर्ट करते रहना है। जैसे जैसे होगा उसी तरीके से आपको डिप्रिसिएशन, NFIA और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड या प्लस करते रहना है, ठीक है। ये बेसिक है और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा आने वाले क्वेश्चंस में। सो इस पार्ट के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं, सिर्फ एग्रीगेट्स को हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसको अभी तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।